Assalamualaikum. This is Miss Bhai. Welcome back to our YouTube channel. Welcome to another vlog. तो कैसे हैं आप सब? Hope you all are fine. So let's start today's vlog. अच्छा मैं ना अभी बाया पहना, मैंने मतलब कहीं जा रही हूँ यकीनन मैं. तो आयशा की तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से मैं कैट्स का खाना खुद ही लेने जा रही हूँ. वैसे तो आयशा जाती है अभी, सैम और मैं जा रही है. वैसे मेरे साथ कोई नहीं जा रहा था, मैंने कहा चलो मैं अकेली चल जाती हूँ. फिर सैम कहती है चलो मैं चलती हूँ. मामा ने मुझे कहा कि सुमैया को कहा रेडी हो जाए. तो मुझे तो नहीं ना पता कि तुम जा रही हो और मैंने तुम्हें कब मना किया था और तुम कब अकेली जा रही थी. कितनी बदतमीज़ अकेली. मामा मैं नहीं जा रही थी अकेली, जा रही थी. देखा ना आई बड़ी झूठी कहीं थी. अच्छा बाय द वे मैं बताती हूँ आपको, आयशा की तबीयत हो गई है खराब. आयशा बहुत ज्यादा बीमार हो गई है. मतलब उसको थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो उसको बहुत ज्यादा होता है वो. मतलब उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा उसको कुछ हो गया, ठीक है. और अभी मैं कैसे बोल रही हूँ, अभी भी ये रेस्ट कर रही है आयशा. आयशा आपको क्या हुआ है जरा आवाम को बताना शुरू करो. आयशा थोड़ा सा आवाम को बता दो आपको क्या हुआ है. आयशा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना. अच्छा मेरा एक तो कैमरा, मुझे ना मोबाइल को ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करना आता, व्लॉगिंग करनी आती नहीं है मुझे ना. तो अभी फिलहाल तो ये कुछ बोल नहीं रही है. मेरे ख्याल से ना बोलने वाली बीमारी लग गई है इसको कोई. और वैसे भी इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन ये कहती है बेचारी, कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं जाना कैट्स का खाना लेने, खुद ही चली जाओ आज. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं चली जाती हूँ, इसी बहाने व्लॉग भी बन जाएगा. तो हम मिनी व्लॉग कोशिश कर रहे हैं कि वैसे हम मिनी व्लॉग भी बनाएं. अच्छा रास्ते में ना आंटी का घर आता है तो मैंने सोचा आंटी के घर भी चली जाऊँ, क्योंकि आंटी मुझे बुला रही थी कल से ना. वो कह रही है मुझे ना तुम्हारी याद आ रही है तो थोड़ी देर आके मिल ही जाओ मुझसे. मैंने कहा आप आ जाओ, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, मैं वेली हूँ अभी, मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए. तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम एक तीर से दो निशाने लगाते हैं. अच्छा मुझसे ना आज बोला भी नहीं जा रहा था. चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग. सैम मोहतरमा भी रेडी हो गई है अपने न्यू हिजाब के साथ. कहती है मैंने अब ये हिजाब क्या करना है, मुझे ये अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि फिर वो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है ना तो यहाँ से हवा जाती रहेगी. हाँ, ये गर्मी ज्यादा नहीं लगती. शौकीन वो तो मैं हूँ. मतलब तुम मान रही हो तुम तो, और मैं मान रही हूँ मैं शौकी. मुझे बहुत शौक है शौकी बनने. चलो फिलहाल लेट हो रहा है, मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं बर्गर चलो अब. अल्लाह अल्लाह कितनी तेज धूप है. ये मेरी मोमा है, ये मेरी बहन है, मेरी एक अदद मोमा एक अदद मेरी बहन है, वैसे सबकी एक अदद ही होती है. तीन बहनें, तीन घर पे नहीं है पागल, बिहार तो अकेडमी गई है. दो बहनें घर पे है, एक अकेडमी गई है, एक मैं हूँ और एक ये है मेरी बहन और ये मेरी मम्मा है. बाहर कह रही थी मोबाइल नहीं लेकर जाना, फिर मैंने कहा नहीं लेकर चलते हैं, व्लॉग बना लेंगे बाहर का. अब मामा इधर को चली जाएंगे आंटी के घर और हम इधर को जाएंगे बाजार गोश्त लेने के लिए, है ना सुभाष? क्या लेने के लिए? हाँ चिकन लेने के लिए. बदतमीज इंसान ना क्या करो. हम कोई सामान लेने जाए ना बाजार से तो मैं हरगिज मार्केट से कोई शॉपिंग बैग नहीं. और अब ये इसकी अपनी कैट्स का है, मतलब जिम्मेदारी तो इसकी है ना कैट्स पे, कैट्स पे नहीं. क्या बोल रही हूँ मैं पता नहीं, मतलब कैट्स कहलाई तो यही जाती है ना कि बाहर की है सारी कैट्स. तो अब इसकी ये अपनी चीज है और ये मुझे पकड़ा दिया, इसने इतना भारी है मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा. और दो तीन किलो का ये पर्स इसने मेरा लिया हुआ है और मेरे पैसे मेरे हाथ में है. और यहाँ आई है सैम अपने हैमस्टर का खाना लेने के लिए. अभी सैम ने ले लिया है अपने हैमस्टर का खाना और अभी हम जा रहे हैं वापिस, मतलब आंटी के घर. इतनी तेज धूप है, मामा कह रही है मुझे घर जाके चक्कर आएंगे. खैर हम पहुंच गए अपनी गली में और इतना भारी सामान, इतनी बदतमीज है ना, एक शॉपर भी नहीं खुद ने पकड़ा, दोनों मुझे पकड़ा हुए हैं. ये मेरा साया. हा 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 हेलो हेलो. आते साथ ही हमें चिन्ने भाई के दर्शन. चिन्ने पिन्ने नीचे से कब आया, कितनी देर हो गई है? थोड़ी देर पहले आए हो, ये आपके लिए तो है ना, ये लो खा. हम आ गए घर वापस, वो तो आप लोगों को भी पता है. हा हा जाहिर सी बात है वीडियो बनाती जा रही थी मैं. पता नहीं मेरा हिजाब भी किस तरह का लग रहा होगा क्योंकि मैंने पिन उतार दी है. और मैं सोच रही हूँ कि आज का ये वाला जो व्लॉग है हम इधर एंड करते हैं, क्योंकि कल हमने व्लॉग बनाया नहीं था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे काम में. कल हमारा न्यू डिज़ाइन आया था और बहुत ज़्यादा हैवी था वो, मतलब बारीकी का डिज़ाइन था. और आयशा की भी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सारा काम हमें करना पड़ा था. तो फिर हम बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए थे. फिर हमने कहा कि अब क्या ही व्लॉग बनाए, मतलब 12:30 या 1 बज गया था हमें काम पर ही. तो फिर इस वजह से हमने कल व्लॉग बनाया ही नहीं. तो मैं सोच रही हूँ कि आज ये जो हमने व्लॉग बनाया है अभी इसको इधर ही एंड करते हैं और साथ ही दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर देंगे. मतलब ये जो अभी व्लॉग बनाया है ये आज शाम को लगा देंगे और जो न्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे वो कल को लगा देंगे, ठीक है ना? ठीक है ओके डन.
तो आज का व्लॉग करते हैं इधर ही, एंड आई होप यू लाइक अवर व्लॉग। इफ यू लाइक देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब मी हैं चला कल के व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, गुड लक, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाई।